दोस्तों नमस्कार, एनुअल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर स्पेस जगत में काफी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी को लेकर पूरी दुनिया भर में मशहूर एलन मस्क, दुनिया की ऐसी प्राइवेट कंपनी उनके पास है जिसमें वह स्टारलिंक जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया भर के कई देशों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। और इसमें चाइना भी पीछे नहीं है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट की माने तो चाइना की एक निजी कंपनी जो कि अपने देश के पहले रियूजेबल रॉकेट जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसका अनावरण किया गया है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि चाइना में एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पर कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो काम कर रही है और भविष्य में वह एलन मस्क की स्पेसएक्स को भी टक्कर दे सकती है। दोस्तों आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजिंग स्थित चीनी स्पेस प्राइवेट कंपनी जिसका नाम लैंड स्पेस बताया जाता है, उसने शनिवार को एक रियूजेबल स्टेनलेस स्टील रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का अनावरण किया है। इस रॉकेट का नाम जेट क्यू 3 बताया जाता है, जो कि 2025 में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लैंड स्पेस चीन का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन स्टेनलेस स्टील से बना मीथेन चलित रियूजेबल रॉकेट व्हीकल का निर्माण किया है। लैंड स्पेस ने हाल ही में ग्लोबल टाइम्स में एक बयान जारी कर कहा कि रॉकेट के पहले चरण का इस्तेमाल कम से कम 20 बार किया जा सकता है। अगर हम जेट क्यू 3 के एट्रीब्यूट्स और फीचर्स की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 76 मीटर के आसपास है, वहीं इसका रेडियस 4.5 मीटर का है। लॉन्च पैड का वजन करीब 660 टन बताया जाता है और इसके टेक ऑफ थ्रस्ट करीब 900 टन का बताया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि स्टेनलेस स्टील से एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रही है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी भविष्य में अमेरिका स्थित स्टारलिंक सैटेलाइट समूह को भी पीछे छोड़ने की योजना बना रही है, यानी उसका कंपैरिजन स्टारलिंक सैटेलाइट जो कि एलन मस्क की कंपनी की है उससे टक्कर देना है। अगर हम लैंड स्पेस कंपनी की योजनाओं की बात करें तो हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन के उपग्रह इंटरनेट जो कॉन्स्टलेशन की योजना है करीब 20,000 सैटेलाइट भेजने की हो सकती है, जो कि कुल लॉन्च स्केल 10,000 टन से भी अधिक होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेस एक्स की बेहतर लॉन्च क्षमताओं और कम लॉन्च लागत वाली स्टारलिंक सैटेलाइट ने अपने कॉन्स्टलेशन स्पेस में बना रखी, जिसमें सबसे चर्चित इंटरनेट सुविधा की बात करें तो यूक्रेन और रशिया में हुई युद्ध में यूक्रेन को स्टारलिंक ने ही अपना सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इंटरनेट चालू रखने के लिए दिया था। और अब चाइना की लैंड स्पेस कंपनी भी कुछ इसी तरह से ग्लोबल लेवल पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का कॉन्स्टलेशन प्लान करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो चाइना की लैंड स्पेस कंपनी पूरी दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए विख्यात हो सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि लैंड स्पेस कंपनी किस तरह से अपने कॉन्स्टेलेशंस का डेवलपमेंट और 2025 में लॉन्च सैटेलाइट करती है। नमस्कार।